सिवान लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की सीट से बेदखल किए गए सांसद ओम प्रकाश यादव बुधवार को दिल्ली से वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन से सिवान पहुंचे। सांसद की अगवानी के लिए स्टेशन पर हजारों समर्थक मौजूद थे। एसी फर्स्ट क्लास कोच से बाहर आते ही समर्थक उन्हें फूल माला से लाद कर गोद में उठा लिए। इस दौरान सिवान स्टेशन पर सिवान का सांसद कैसा हो, ओपी यादव जैसा हो और मोदी मोदी के जम कर नारे लगे। इस मौके पर समर्थकों से घिरे सांसद ने दावा किया कि वे न तो पार्टी से बागी होंगे और न ही एनडीए को छोड़ेंगे। पीएम मोदी के प्रति पूर्ण आस्था जताते हुए दावा किया कि सिवान लोकसभा क्षेत्र में कमल को कभी भी मुरझाने नहीं देंगे। सांसद ने कहा कि सिवान संसदीय क्षेत्र में अपराधियों को कभी भी पांव पसारने का मौका नहीं देंगे और इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। क्या वो पार्टी के लोग हैं? जैसे कि सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कुछ लोगों ने पैसे लेकर के आपका टिकट कटवा लिया। हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। हो गए लोकल सुपर लोग का परिचय देना क्या चाहेंगे? अपने चिंता कम करने को चाहेंगे। किसी नेता पर टिकट टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं और देश में एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के। क्या आपको लगता है कि बीजेपी से अगर जदयू में सीट गया तो ये सीट सिवान से निकल पाएगा? कोई सरकार बनाएंगे तो सिवान की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बड़ी कुर्बानी के बाद आज जिस तरह की भीड़ आपके समर्थकों की यहाँ पे देखी गई है, क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े? अनेक सपूतों के शहादत के बदौलत यहाँ कमल खिला था। एनडीए को जनता दल यूनाइटेड को ये नहीं देना चाहिए था, लेकिन एनडीए का जो भी निर्णय है हमें भाग है, हम उसको स्वीकार करते हैं और प्रयास करेंगे कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम निकालने का कोशिश करेंगे। आज आपने शक्ति प्रदर्शन किया है इतने सारे? यह शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह कार्यकर्ताओं का उत्साह है। हम आज पहली बार सुबान आए हैं तो लोग अपना समर्थन अपना प्यार इजहार करने के लिए मुझे सुबान स्टेशन पर रिसीव किए और हम पूर्व सांसद पंडित जनार्दन तिवारी के मूर्ति पर मल्यार्पण किए और लोकतंत्र के प्रहरी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के मूर्ति पर मल्यार्पण करने के बाद फिर अपने निवास पर आए। मंडल अध्यक्ष के द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा है, क्या मानना है? हमने अपने फेसबुक के माध्यम से अपने समर्थकों से अनुरोध किया कि अनर्गल बयानबाजी न करें, किसी भी आदरणीय माननीय नेता के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। शालीनता सौहार्द
प्रेम भाईचारा का वातावरण बना रहे इसका प्रयास होना चाहिए। जो दरौंदा के कार्यकर्ता उन लोग का आरोप है कि जिला अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री ने पैसे लेके, उन लोगों को हमने समझाया है कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और इस तरह के आरोप से पार्टी कमजोर होगी, संगठन कमजोर होगा। क्या लगता है आरोप निराधार है? और यहाँ एनडीए कमजोर होने का मतलब हुआ कि फिर से अपराधियों का साम्राज्य कायम होगा और फिर से सिवान में आतंक का माहौल कायम होगा। तो सिवान के व्यवसायी और सिवान के आम अमन पसंद लोग भयभीत और चिंतित हैं।